भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत को 4 रनों से नजदीकी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए वर्षा बाधित मैच में 17 ओवर में 158 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत टीम इंडिया को 17 ओवर में 174 रनों का विशाल लक्ष्य मिला, जबकि पूरी भारतीय टीम 169 रन ही बना सकी। वहीं इस रोमांचक मुकाबले में मिली नजदीकी हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बेहद निराश दिखे और विराट ने मैच के बाद कहा कि मुझे लग रहा था कि कार्तिक और ऋषभ पंत मैच हमें जिता देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका और ऋषभ पंत का आउट होना ही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा।